बताओ, तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी है तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया? मैं पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऊपर जाके आराम से सोच लेना। और जी क्या हालचाल है उनके जिन्होंने जंग का ऐलान कर रखा था? तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो जिसके हाथ में डंडा हो, जिसके हाथ में ताकत हो, फिर काम भी उसी का होता है, फैसले भी उसी के माने जाते हैं। देखें आप क्या होता है, मैं कोई प्री मच्योर कोई पेशेंट गोई नहीं करना चाहता, जो है कोई ऐसी पेशेंट गोई नहीं करना चाहता कि वो इस्तेमाल हो, हमायत में हो या मुखालफत में इस्तेमाल हो। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि हालात जो है ना आइंदा 2-4-5 दिन में 10 दिन में जो है बड़े वाजे होके सामने आ जाएंगे। जो है ये गीदड़ भप किया है, मैं 2 मिनट लूँगा आपके सिर्फ कुछ बातें समझाने के लिए कि जिनको सियासत का एस भी नहीं पता होता उनसे सियासी तबसरे लेना इंतहाई बेवकूफ़ाना अमर है। मतलब ये इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जाएँ जाके दीन की तालीमात दें, ये सियासी तबसरे अनफॉर्चुनेटली इनकी सोच से थोड़े ऊपर है। TCM वालों को बेचारों को शायद समझ ही नहीं आ रही कि अब मसाला कहाँ से लाएँ, तो अब सियासत पे गुफ्तगू के लिए उनको इंजीनियर/मौलाना साहब ही मिले हैं। इस तरह ये एक नहीं है, आए दिन शहजाद ग्यास भाई साहब जो हैं वो किसी एक्टर को बिठा के सियासत पे तबसरा करवा रहे होते हैं, कभी किसी मॉडल को बिठा के सियासी कचहरी कर लेंगे। आई मीन ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स टू, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि थोड़ा तो एडिटोरियल सेंस लाएँ अपने अंदर। मैं इस तरह की बातें करता नहीं हूँ, मगर जब से शाज़िब खानज़ादा ने मानेका साहब का इंटरव्यू किया था वो इद्दत वाले केस के हवाले से, तब से मुझे एक चीज़ ज़रूर फील हुई है कि कभी कभी हमारे मुल्क के करता धरता एक चीज़ से दो शिकार कर लेते हैं। जैसे शाज़िब वाज दी ओनली जर्नलिस्ट जिसने एस्टेब्लिशमेंट की नाक में दम कर रखा था जब PTI की गवर्नमेंट थी, और अब किस मुँह से वो नाक में दम करेंगे अगर कभी बाजी पलटी। खैर बाजी तो पलटनी है और पलट रही है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला मान लिया, हालांकि थोड़ी बहुत लचक रखी है इलेक्शन कमीशन ने, जैसे उन्होंने कहा कि फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई मुश्किल या मसला आया तो हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। लेकिन आई थिंक ये काम नहीं आएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। कल रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी नून लीग वाली इस रिजर्व सीट्स वाले केस के खिलाफ, लेकिन हम सब ने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने इस रिव्यू पिटीशन को लगने ही नहीं दिया। हालांकि बकौल कुछ सहाफ़ियों के काजी साहब ने बहुत कोशिश की, गुस्से का इजहार भी किया, लेकिन सुना है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के तासरात कुछ इस तरह थे। क्या प्रोजेक्ट है आपका? चिल, बीवी के टोन में बात मत करना अनवर मकसूद। मैं बोलता था कि अब ये काजी साहब का फैसला नहीं है, अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 जजेस करते हैं फैसला, और जहाँ 2 वोट्स जाएंगे वही फैसला कमेटी का फैसला समझा जाएगा और यही होगा। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 2 रीजंस की वजह से ये रिव्यू पिटीशन नहीं लग सकती, एक के जजेस सारे छुट्टियों पर जा चुके हैं और दूसरा कंप्लीट जजमेंट अभी तक नहीं आई, और जब तक कंप्लीट जजमेंट नहीं आ जाती तब तक कैसे पिटीशन सुन ले। तो मतलब ये बात वैसे ही हुई जैसे मैंने बोला था कि अब जब छुट्टियां ख़त्म हों, मतलब कहानी 1-1.5 महीने तक तो गई, और इलेक्शन कमीशन के पास 15 दिन का टाइम है फैसला इम्प्लीमेंट करने का। 1 हफ्ता तो गुजार लिया है उन्होंने इस कश्मकश में कि करना क्या है, और अब आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन 1-1.5 महीने तक इस चीज़ को डिले करेगा? आई डोंट थिंक सो, आई विल कम टू दैट। आज लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मुशावरत करने के बाद कहा कि हमने आपकी बात सुनी और हमें आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए हमारा फैसला यही है कि जो जजेस इस वक्त ट्रिब्यूनल में केसेस सुन रहे हैं पंजाब में वही रहेंगे। ये वही मामला है पंजाब के ट्रिब्यूनल्स वाला जो पिछले वाले चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के साथ हुआ था। काजी साहब ने हुकूमत की मदद करके मलिक शहजाद अहमद को सुप्रीम कोर्ट प्रमोट कर दिया था और ट्रिब्यूनल्स वाले केस को खुद सुन के वापस मुशावरत करने का बोल दिया था। मुशावरत तो हुई लेकिन फैसला नहीं बदला। अब बॉल वापस सुप्रीम कोर्ट में फेंक दिया गया है लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा की तरफ से कि जो चाहे फैसला कर ले। आसान अल्फाज में जो जजेस मलिक शहजाद अहमद साहब ने अपॉइंट किए थे फिलहाल वही कंटिन्यू करेंगे। वैसे बन्नू में क्या हो रहा है, लोग पीस के लिए सफ़ेद झंडा लेके बाहर निकल आए,
और फिर उनको क्रश करने की कोशिश की गई। सिंपली बात यही है, लेकिन उससे होगा क्या? इस वक्त कौन ये फैसले ले रहा है, मेरी समझ से बाहर है। अगर पॉपुलर सपोर्ट मौजूद नहीं तो आप ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? दिस इज द कॉल फॉर डिजास्टर। प्रोटेस्ट करके घर चले जाते जो भी लोग निकले थे, क्या होता ज़्यादा से ज़्यादा? आपने उन पर फायरिंग कर दी, क्या चाह रहे हैं? बांग्लादेश की हालत देखें, एक छोटे से प्रोटेस्ट को उन्होंने वायलेंट राइट्स में कन्वर्ट कर दिया है। और ये बात आप लिख लो, अगर KPK में ये लहर फैली तो इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप एट ओनली वायलेंट राइट्स, इट विल लीड टू सेपरेटिस्ट मूवमेंट। और ये ऑडियो लीक सुनवा के जहाँ बोला जा रहा है कि किसी स्कूल पे अटैक किया जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक बात है। इस पर सिर्फ एक बात करूँगा मैं, ऑडियो लीक या ऑडियो ना सुनवाएं हमें, इस अटैक को रोकें, वरना ये ऑडियो सुनवा के और अगर अटैक हुआ तो कोई तस्लीम नहीं करेगा और फिर उल्टा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। समझने वाले समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल मजबूरी को समझ रहा हूँ कि ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। आपने हाफिज़ गुल बहादुर के खिलाफ अफ़गानिस्तान को ऑपरेशन का भी बोला है या अफ़गानिस्तान को उसके खिलाफ क्रैकडाउन का बोला है, लेकिन आपकी अफ़गानिस्तान सुनेगा नहीं। वाई? बिकॉज उनको भी पता है कि आपके पास इस वक्त लोगों की सपोर्ट नहीं है। इट्स वेरी बेसिक, एज शेरलॉक वुड से, इट्स एलिमेंट्री। यू सी, अफगानिस्तान में चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंड दे आर प्रीटी कंफर्टेबल कि उनके अपने मुल्क में कोई टेररिज्म नहीं हो रही। वाई शुड दे केयर कि आपके मुल्क में टेररिज्म हो रही है कि नहीं? और चाइना आपसे बिल्कुल दूर जा चुका है, स्पेशली जब से उनका मिनिस्टर आपको आके यहाँ बैठ के बोल के गया कि अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाओ, लेकिन आपने चाइना की बात को समझा ही नहीं कि स्टेबिलिटी से मुराद क्या है। और अगर उसको आपकी वाकई मदद करनी भी होती तो वो अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में इस्तेमाल करता। ऐसे आपके ऊपर डाल के चले जाने का मकसद ही यही है कि दे डोंट केयर। और आप देख लो, गायब ही हो गई हैं ये CPEC-2 की बातें जो हो रही थी। और अब तक जो दिया है चाइना ने, अनकरीब वी विल बी इन अ सिचुएशन जहां हम चाइना को उसकी दिए हुए कर्जे की पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि IMF ने भी आपसे ये शर्त रखी हुई है कि आप CPEC की पेमेंट्स इस IMF के दिए हुए कर्जे से नहीं कर सकते। और IMF का एग्रीमेंट वन वे और दी अदर जुड़ा हुआ है अमेरिका और आपके ताल्लुकात से। मूडीज और फिच, दो बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने जो बातें की हैं, इन दोनों के थ्रू अमेरिका ने आपको और पूरी वेस्ट या फिर पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को ये पैगाम दिया है कि नहीं जी, पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट से नहीं हो पाएगा। मोदीज और फिच दोनों की रिपोर्ट में एक बात कॉमन थी और वो थी कि शहबाज गवर्नमेंट के पास पब्लिक सपोर्ट ना होना पाकिस्तान में जो हो रहा है इस वक्त उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका आपको क्या पैगाम दे रहा है? सोने पे सुहागा, ट्रंप इज गोइंग टू विन इन नवंबर एट ऑल कॉस्ट। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि आफ्टर द अटैक अगर डेमोक्रेट्स बाइडेन की जगह ब्रैड पिट भी ले आते हैं तब भी डेमोक्रेट्स का जीतना बहुत मुश्किल है। और जहाँ ट्रंप के जीतने की बातें हैं, वहाँ आप PTI पे बैन और इमरान खान साहब पे Article 6 की बातें कर रहे हो। अच्छा, जब बैन वाली बात पे अमेरिका आपको कह रहा है कि उनको इस बैन पे तशवीश है, तो आप ऊपर से जवाब देते हो कि ये तो मुदाखलत है हमारे मुल्क में, ये जो फॉरेन ऑफिस से बुलवाया गया है। वाई डिड आई से कि बुलवाया गया है? क्योंकि बौखलाहट का शिकार हो गए हैं सारे के सारे इस वक्त। बेचारे छोटे से छोटे डिप्लोमेट को भी ये बात पता होगी कि तशवीश का इजहार करना मुदाखलत नहीं। जैसे हम बैठ के बांग्लादेश के हालात पे इस वक्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं आजकल, बौखलाहट का शिकार तो हैं। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आपने स्पीच देखी? आप लैंग्वेज देखें सिर्फ। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं होते, यहाँ आईन और कानून के मुताबिक फैसले होते। और जहाँ आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है, तो आईन और कानून का कत्ल होता है। और ये मुल्क की हालत होती है जो है, आप जिम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत के। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी आंखें और कान खुले रखें, अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचाने। बहुत हो गया, 76 साल हो गए हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए। अब ये मज़ीद ना बर्दाश्त हो
होगा और ना करना चाहिए। अगर एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रही है, आवाम की तकालीफ दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को, आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। और दूसरी ये, और आज उन लोगों को ये कोर्ट्स बेल्स दे रही हैं जिनको, और उनको मासूम बना के पेश किया जा रहा है, बेगुनाह बना के पेश किया जा रहा है। मैं भी खातून हूं, अगर कोई खातून बेगुनाह जेल में जाती है तो मुझे भी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं बेगुनाह जेल भुगत के आई हूं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक औरत ने इस मुल्क और कौम पे हमला किया है, इस मुल्क की तनसीबात पे हमला किया है, आग लगाई है, इंतशार फैलाया है, और आप उसको कहें वो मासूम है। उस बेचारी को 2 साल हो गए जेल में बंद हुए। भाई क्यों जेल में बंद हुए वे साल हुआ? अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। सनम जावेद से इतना डर बीबी क्यों भाई? इसी से आपकी बौखलाहट का अंदाजा होता है। बौखलाहट में आके बैन और आर्टिकल 6 की जो बातें की हैं, अब इन दोनों इकदामात से पीछे हटने पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं मानेगी कि किसी पार्टी पे बैन करो या किसी सियासी लीडर पे आर्टिकल 6 लगाओ। हालांकि अभी तक ये महसूस हो रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान जाए। वही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी साहब ने बोला कि हम गवर्नमेंट के हर इकदाम को या हर कदम को सपोर्ट करेंगे, और नैयर बुखारी साहब जरदारी साहब की लॉबी है, और जरदारी साहब ने मान ही जाना है इस फैसले के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ उनकी कोई सियासत नहीं है अपनी। लेकिन बिलावल साहब नहीं मानेंगे, और यही वो मोमेंट दोबारा आएगा अगर जरदारी साहब ने बैन करने पे जोर भरा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में धड़े बनने में देर नहीं लगेगी। तो मेरे नज़दीक तो नून लीग अपने एक इतिहादी से मुंह की खानी पड़ रही है, यानी कि पीपल्स पार्टी से। लेकिन सवाल है कि जो दूसरा इतिहादी है यानी इस्टेब्लिशमेंट, क्या वो राजी है? मेरे हिसाब से नो, ना वो बैन पे साथ है नून लीग के साथ, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसला ना मानने पे। देखें, अगर इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ 100% होती तो इन सबामाल को डिफेंड करने के लिए वावडा गवर्नर सिंध, ये क्या नाम है, तिजोरी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये जैसे लोग, इन जैसे लोग आके टीवी पर रोज़ बैठे होते। लेकिन यहाँ तो सिर्फ नून लीग ही नून लीग चीख रही है। आप खुद देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर पार्ट ऑफ द नून लीग, मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर पार्ट ऑफ द नून लीग, अता तारड़ हो, आज़म नजीर तारड़ साहब हो, सराना सनाला साहब हो, ऑल आर द पार्ट ऑफ नून लीग। वेयर आर द एस्टेब्लिशमेंट्स ओन स्पोक्सपर्सन? अब यहाँ आ जाएं, इन सारी बातों को कनेक्ट करते हैं। जब फैसला आया तो सिर्फ नून लीग ने रिएक्ट किया, क्योंकि नून लीग को ये पता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब इससे आगे नहीं जाएगी कोर्ट से लड़ाई में, जो नज़र भी आ रहा है। और हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी मान लिया, और नून लीग की रिव्यू पिटिशन भी कम से कम महीने तक तो गई। अब पीटीआई वाले रिजर्व सीट पे आ जाएंगे असेंबली में, फिर नून लीग करती रहे रिव्यू। लाहौर हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स में भी ईसीपी को उड़ा दिया, मतलब अब ट्रिब्यूनल्स में चाहे वो नवाज की सीट हो या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सीट हो, दोनों ही उड़ सकती हैं। ये एडॉक जजेस वाली कहानी का भी ऐसे ड्रॉप सीन हुआ कि पूछे मत। एक बंदा यानी जस्टिस मजहर आलम मना कर चुके हैं कि मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी उनको जुडिशियल कमीशन कहती है कि नहीं नहीं आपको तो बनना है। मैंने तो उस दिन ही बोला था कि खुदा पहाड़ निकला चूहा की तरह है ये एडॉक वाली एडॉक जजेस वाली कहानी। कादी साहब जब अक्टूबर में रिटायर होंगे तो जाहिर है इलेक्शंस वाला केस भी उठाया जाएगा, और हो सकता है कि पूरी इलेक्शंस ही मुतनाज़ा डिक्लेयर हो जाए, जिसका डर ख्वाजा साहब पहले ही दिखा चुके हैं। और अब तो फवाद चौधरी साहब जैसे लोग पीपल्स पार्टी को लालच दिखा रहे हैं कि नून लीग के साथ रहकर आपने अपना ही नुकसान किया है, वरना इस वक्त आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होते। केपीके में मिलिट्री ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं जब पॉपुलर पार्टी को इस्तेमाल ना करें आप, और उसकी मिसाल आपको आज मिल गई बन्नू में। IMF और वेस्ट ने भी डायरेक्ट इंडिकेटर्स दे दिए हैं कि दे डोंट थिंक कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिस्टम है उससे कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ पाएगी या कोई इन्वेस्टर आएगा। और जब ट्रंप आ गया तो उसकी सोच से जुड़ा हुआ जो इंसान आपने जेल में बिठाया हुआ है वही उसको समझ सकता है और कोई नहीं। चाइना रोते लिफ्ट कराना ही छोड़ दिया है आपको। जो कंपनीज़ ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए आई थी पाकिस्तान वो भी वापस चली गई। जिस भी वजह से TLP को इस्लामाबाद लाया गया था उनसे भी आज सुलह हो गई और उनको भी वापस भेज दिया, मतलब अब
उनका भी काम नहीं है ज़्यादा। अब इस मोमेंट पे अगर कोई मुझे ये कहे कि एस्टेब्लिशमेंट का मूड है मार्शला लगाने का, या एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ खड़ी है और फैसला भी नहीं मानेगी और पार्टी पे बैन भी करवाएगी और आर्टिकल 6 भी लगवाएगी, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। अगेन, मुझे सिर्फ 23 तारीख का इंतज़ार है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से क्या फ़ैसला करती है। इस वक्त अगर कोई बात अटकी हुई होगी तो वो सिर्फ इतनी होगी कि एस्टेब्लिशमेंट अपने किसी की कुर्बानी नहीं देना चाह रही होगी। लेकिन आई एम श्योर बातें इस सिमत में भी अब शुरू हो गई होंगी। यू गो टू हेल। ऑलराइट, लेट मी आस्क यू समथिंग। If the rule you followed brought you to this, of what use was the rule?